अच्छा आपको ये क्यूट सा दिखाई दे रहा है, ये गौहर और जैद ने भेजा है उनके प्यारे से जिहान के अराइवल पे, एंड इट सेज इट्स अ बॉय। सो मेनी कंग्रेचुलेशन जैद एंड गौहर। सबसे पहले तो आप दोनों की मुझे क्यूट क्यूट रील्स मैं देख रही हूँ फिलहाल, कि मिडिल ऑफ द नाइट क्या हाल हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, हमारा भी दिन वही आने वाला है। सो यू बोथ आर अडोरेबल, आप दोनों को बहुत मुबारकबाद, एंड लॉर्ड ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर जिहान, अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे और अच्छी सेहत में रखे, ढेर सारा प्यार। सो बस मैं यही खोल के देख रही थी, अब चलते हैं बाहर, देखते हैं मैं आपको कितना दिखा पाती हूँ कितना नहीं दिखा पाती हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी जिम। चलिए। सो ये देखिए हमारे कॉरिडोर की ये थोड़ी सी डिटेलिंग जो है, डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है, इस तरीके के आर्क बनना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कारपेंटर भैया लोग ये कटिंग कर रहे हैं वही आर्क का, ये सब इनकी मेहनत है। और फिलहाल ना ये लिविंग रूम इस तरीके से पूरा खुला है, और ये ग्रिल से इतनी अच्छी हवा आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है देखिए। चलिए अब चलते हैं अंदर के कमरे की तरफ, ये तो है वॉशरूम, इसमें अभी डंपिंग एरिया बनाया हुआ है, और ये हमारा जो वॉक इन वार्डरोब और नमाज रूम था वो जो है पूरी तरीके से अब टूट गया है, अब इस बार इसकी एंट्री हम यहाँ से रखेंगे। और ये रही बालकनी, और ये देखिए ये ऐसे ही डिवाइड होगा, पर इस बार नमाज रूम में डिवाइड होगा, और उसके साथ क्या आने वाला है वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है। ये पापा का रूम जो हो गया है डिमोलिश, ये वापस फ्रेश बन के पापा के नीड्स के हिसाब से और अच्छे से पापा का रूम ही बनेगा। सो ये थी घर की क्विक झलक, हालांकि इस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना हो सके मैंने एक्सप्लेन किया, और आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे हो, बाद में बहुत प्रिटी लगने वाला है। और वो जो बीच वाला रूम है ना, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, जहाँ पे अभी सब भैया लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम की भी टाइलिंग हो रही है, और जो मेन रूम है वहाँ पे भी वार्डरोब का पूरा काम चल रहा है, सो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये आ गया है मेरा फिलहाल एक आइस बॉक्स, क्योंकि हमारा फ्रिज खराब हो गया है। फ्रिज का एक्चुअली क्या हुआ कि जब काम हो रहा था ना, तो वो कुछ एक वायर में कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा का पूरा फ्लक्चुएट हो गया। अब वो फ्लक्चुएट हुआ तो इसका मदरबोर्ड उड़ गया, तो इसलिए अभी बुक कर दिया है बॉश में, पर वो कह रहे हैं कि वो आने में एटलीस्ट 10 दिन लेगा, विच इज़ टू लॉन्ग। तो मुझे रोज़ ठंडा दूध रात को जब मैं पीती हूँ वो लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है, तो इसलिए कल शोर ने मुझे बोला कि दिप्पी एक आइस बॉक्स मंगा लो। तो ये धर्म दादा ने, मेरे धर्म दादा वर्क्स टू परफेक्शन, मतलब धर्म दादा कोई भी काम फुल आधा नहीं छोड़ते, वो ये तो लेके आए मेरे लिए, और साथ ही साथ इसके अंदर आइस भी डाले, क्या बात है। देखो यहाँ दूध भी रखा है, छाछ भी रखी है, एप्पल भी रखा है, दूध तो खैर ये कच्चा है, अभी रात को मैं ले आऊंगी। थैंक यू धर्म दादा। ये एक्चुअली धर्म दादा के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं ना, सोचिए ससुराल सिमरका का फर्स्ट ईयर तब दादा वहां पे कंपनी में स्पॉट थे, एंड तब से उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। और जब आप नया शो करते हो तो आप वहीं पे पूरा दिन पड़े रहते हो, तो दादा को सब पता है कि मैम को क्या अच्छा लगता है, सर को क्या अच्छा लगता है, कैसी कैसी इनकी खाने पीने की आदतें हैं। और अब तो ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना, उन्होंने फिर कहा हम कहा तुम, जब मैं कह रही तो उन्होंने मेरा पर्सनल एज अ पर्सनल स्पॉट वो मेरे साथ रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि मुझे कैसे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कई बार उनको बोलना भी नहीं पड़ता, वो हर चीज़ जो है आधा मैं बोलूं बाकी वो पूरा कर ही देते हैं। चलिए अब मैं चल होती हूँ रेडी और निकलते हैं जिम। मस्त दिखता है यहाँ पे ना अम्मी। आप एकदम सही वक्त पे आ गए, अभी उस तरफ वो नीले पत्रे लग गए हैं। हाँ, मैं बोला था मम्मी से कि जब तक हम थे तो खुला था, पूरा कुछ भी नहीं दिखता, और जिस दिन आए थे उसी दिन लगा था, उसी दिन लगा। मैं सोच रही थी कि बताऊंगी तुमसे, बताऊंगी, देखो वो लग गए, लेकिन उस दिन मैं यहाँ भाई एकदम अच्छा लगता है यहाँ पे। बोले क्या, डाइट सही चल रही? हाँ, खा रहे हो? हाँ, पक्का? बस आज चाय 5 बजे भूल गए, हाँ ठीक है, लेकिन कमजोरी तो नहीं हो रही ना? पतले भी लग रहे हो आप। तो अम्मी इतना घबरा गई थी, अम्मी को शोएब ने क्या 75 kg का टारगेट दे दिया था, अम्मी इतना घबरा गई थी कि वो डर के मारे जितना डाइटिशियन ने दिया है उससे भी कम खा रही थी, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और अम्मी हिम्मत करके
पहली बार इतना कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। बस दुआ करो इंशाल्लाह कम हो जाए। होगा होगा मेहनत तुम्हारी भी हमारी जितना तुम आपकी हमारी तो कोई मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी हिम्मत देना, कोई नहीं तो मैं टूट जाती, मैं नहीं कर पाती। अभी आपने मापा है वजन? मापा नहीं सानू करे तो धोखे से नाप मत लेना। अच्छा ठीक है, रुक जाओ महीने बाद। ठीक है चलो, एक महीने बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग भी दुआ